लाइव नाउ वेलकम टू एसके क्लासेस। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लीजिए अब आपके सामने कक्षा 12वीं इंग्लिश के उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूं जो आपके कल यानी कि 8 तारीख को स्कूल में देखने को मिलेगा। अगर इसका पार्ट नंबर फर्स्ट आपने नहीं देखा तो जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी है पार्ट नंबर फर्स्ट ना देख करके, क्योंकि पार्ट नंबर फर्स्ट में सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी, इन सभी क्वेश्चंस को टिक करा दिया हूं। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड होने जा रहा है जिसमें कवर करेंगे सेक्शन नंबर डी के सभी क्वेश्चन आंसर को, प्रश्न और उत्तर को। टोटल 44 नंबर का कवर होगा इस वीडियो से। सो वीडियो में अंत तक बने रहना, डेफिनेटली बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा और 44 नंबर के उन सभी क्वेश्चन आंसर को टिक करा दूंगा जो तुम्हारे पेपर में कल देखने को मिलेगा। यार एक बात तो साफ हो गया है, पूरा का पूरा पेपर प्रश्न बैंक से बन रहा है, जैसे कि आपने पहला और दूसरा पेपर में देखा ही होगा। ये आपका तीसरा पेपर है, ये वाला पेपर पूरा क्वेश्चन बैंक मिल रहा है। एक एक पेपर का क्वेश्चंस मैं देख लिया हूं, क्वेश्चन बैंक में टिक भी कर लिया हूं। क्वेश्चन बैंक में जो मैं टिक कराऊंगा वो सेट नंबर ए और बी दोनों को मिला करके टिक कराऊंगा, इसलिए थोड़ी क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। बाकी उसके बाहर के कोई भी क्वेश्चन टिक नहीं कराऊंगा, फालतू का कुछ भी कंटेंट नहीं रहेगा। तो चले फिर हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, 5 मिनट में जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर को टिक करके और वीडियो को एंड करते हैं। तो देखो हम सीधे जंप करेंगे सेक्शन नंबर डी में। तो ये हमारा सेक्शन नंबर डी यहां से स्टार्ट होता है। अच्छा, इसके पहले मैं डू आज डायरेक्टेड को टिक नहीं कराया था, मुझे अच्छे से याद है। तो डू आज डायरेक्टेड के कुछ क्वेश्चन को टिक कर लो आप, कौन कौन से आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो ये सब हो गए थे, यहां से स्टार्ट होता है। देखो डू आज डायरेक्टेड में से पहला प्रश्न आपका होगा ये वाला आ रहा है, नहीं नहीं ये नहीं आ रहा, इफ के स्थान पर अनलेस वाला आ रहा है, ठीक है। जे 11वां नंबर टिक कर लो, 12वां नंबर टिक कर लो, ठीक है। 11 और 12 इसको फोटो क्लिक कर लो, ये तुम्हारे पेपर में आ रहा है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट 13वां नंबर देख लो, ठीक है। नेक्स्ट 15वां नंबर देख लो, ठीक। बस भाई साहब ये यहां से 4 ही प्रश्न आ रहे हैं और आप इसके फुल सोल्यूशन का फोटो क्लिक कर लो। यहां से मात्र 4 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। चाहे कोई भी सेट हो, चाहे ए हो चाहे बी, 2 चीज ही आ रहा है। आगे देख लेते हैं, रुको एक दो क्वेश्चन और इधर के बताए गए थे मुझे, उसको मैं टिक करवा देता हूं। अच्छे से पढ़ लेना, बस तुम पेपर फाड़ दोगे, पूरे पूरे सेंटर जा दोगे। ये वाला प्रश्न था, ये था 5वां नंबर, बस इतना ही आ रहा है आपके पेपर में। चलिए अब हम आगे बढ़े और अपने 44 नंबर के सभी प्रश्न उत्तर को टिक करते हैं टेक्स्ट बुक से। एक चीज मैं बता देता हूं, अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाद यदि कोई अपडेट आता है, कोई पेपर और आता है, फिर कोई पेपर ऐसा वायरल होता है और मुझे पता चलता है कि ये रियल है, ये फिर मुझे ऐसा कुछ लगता है, तो मैं उस वीडियो में पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन कवर कर दूंगा। फालतू के पेपर वाले वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। तुम्हें भटकाऊंगा नहीं, तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा, तुम्हें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से ही टिक करवाऊंगा। बाकी जब अगर कुछ कोई तगड़ा चीज आता है, फिर कोई अलग से आता है तो डोज दूंगा, बाकी नहीं। आप अपना पढ़ाई पे मन लगाना। सबसे पहले देख लो एक्सट्रैक्ट फॉर फ्लेमिंगो से, फोर्थ सेक्शन से, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहां से एक्सट्रैक्ट नंबर फर्स्ट को पढ़ लो, पुअर मैन वाला तुम्हारे परीक्षा में कल देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसे पूरा देखो, ये रहे इसके क्वेश्चंस, ये रहा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा और पांचवा, और ये रहा इसका फुल सोल्यूशन। अच्छे से पढ़ लेना, बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से पढ़ लेना, मतलब अच्छे से करके ही जाना है। आते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर थर्ड, माय चिल्ड्रन वाला अच्छे से देख लेना। माय चिल्ड्रन वाला आपके सेट नंबर बी में देखने को मिलेगा, ठीक। एक है सेट नंबर ए का, दूसरा सेट नंबर बी का, एक दो क्वेश्चन चेंज है, बाकी पूरा सेम है। तो ये देख लो भैया, ये क्वेश्चन है, ये रहा पहला नंबर आपके सामने, ये रहा दूसरा नंबर, ये रहा तीसरा नंबर, आप इनका फोटो क्लिक कर लो, ये रहा आपके सामने चौथा और ये पांचवा, बस इतना आपको प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी यहां से कोई भी नहीं आ रहा, स्किप कर दो, स्किप कर दो, कोई मतलब नहीं, फालतू का टाइम पास करो, वही क्वेश्चंस पढ़ो जिससे हमारा काम बने, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है, ठीक है। मैं चाहता तो 50 क्वेश्चंस को टिक करा देता, लेकिन क्या मतलब भाई, तुम भरोसा करते हो तो हमें भरोसा नहीं तोड़वाना है। नेक्स्ट देखो, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्लेमिंगो पोएट्री से, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, माई चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। यहां से एक्सट्रैक्ट नंबर सेकंड आप अच्छे से कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। चलिए साइड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको देखना है एक्सट्रैक्ट नंबर थर्ड, इसे अच्छे से कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस ये रहे और ये रहे इसके आंसर्स, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है।
नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विक्टस से आ रहा है। विक्टस से रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। ये वाला प्रश्न को अच्छे से रेडी कर लेना। एक्सट्रैक्ट नंबर फर्स्ट तुम्हारे पेपर में आएगा, 200% आएगा, इसलिए इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये सभी क्वेश्चंस यहां पर मेंशन है, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, ये रहे इसके आंसर्स, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट नंबर टू, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन। ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसे भी देख लो, ये वाला पूरा का पूरा। ठीक, ये सभी प्रश्न क्रमांक 9 के प्रश्न को टिक करा रहा हूं, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 में आया है। ठीक, चलिए इसे भी साइड करते हैं, यहां से कोई भी क्वेश्चन वाच नहीं बन रहा है, टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। चलो भैया अब रेडी हो जाओ, तगड़ा एक मसाला मिलने वाला है प्रश्न और उत्तर का। तो जिस प्रश्न उत्तर को मैं टिक कर दूं उसे अच्छे से कर लेना, डेफिनेटली कल के पेपर में वही प्रश्न उत्तर तुम्हारा स्वागत करेगा। पहला रहा देखो द लास्ट लेसन से, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, खत्म करो। अच्छा, ये सभी क्वेश्चंस जो अथवा से रहते, जैसे एक क्वेश्चन हो गया बोलता है ना कि एनी सिक्स करो और आठ आठ प्रश्न रहते हैं, तो सारे टिक करा रहा हूं, ठीक, जो अच्छा लगे कर लेना। ये रहा नवा नंबर, ठीक, ये रहा पंद्रहवा नंबर, इन सबको अच्छे से रेडी कर लो, रेडी एकदम। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट, द लास्ट स्प्रिंग नाम से कौन कौन सा प्रश्न आएगा। पहला नंबर मुकेश वाला, एक पेपर में जो दिखाया था ये वाला प्रश्न पूछा था, हु इज मुकेश, मुकेश व्हाट इज दिस ड्रीम, सॉरी व्हाट इज हिज ड्रीम, ये प्रश्न पूछा था। ठीक, तो ये प्रश्न आ रहा है, इन दोनों को टिक कर लो। और ये रहा आपके सामने दसवा नंबर, ठीक, इसे भी टिक कर लीजिए। आगे देख लेते हैं, डीप वाटर से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं टाइम पास करने से, केवल एक क्वेश्चन है और वो भी नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द रेड ट्रैप, यहां से आपको देखना है चौथा नंबर, इसे टिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये रहा नौवा नंबर और ये रहा दसवा नंबर, इसका फोटो क्लिक कर लो। और ये रहा आपके सामने एक और, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंडिगो से पहले प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बात मानो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मतलब कर ही लेना, तुम्हारे एग्जाम में इंडिगो से पहला प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर, सिक्स्थ नंबर, खत्म करो, कोई मतलब नहीं ज्यादा पढ़ने से। नेक्स्ट, एक नया चैप्टर है, इसका पहला प्रश्न आप पढ़ना है बस, स्टूडियो वाला, ठीक है, 200% आ रहा है स्टूडियो वाला, छोड़ के गए तो रोना पड़ेगा, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला नहीं आ रहा है, वो वाला स्टूडियो वाला, और ये रहा 13वां नंबर, बस दो ही प्रश्न यहां से टिक करवा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने जो प्रश्न पत्र मैं अपलोड किया हूं उसको अच्छे से नहीं देखा तो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज जाओ जाकर के उस प्रश्न पत्र को अच्छे से देख लो, उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, और अगर आंसर्स मिलता है तो मुझे टैग जरूर कर दो ताकि सही बच्चों का हेल्प कर सकूं, ठीक है। ये देखो प्रश्न क्रमांक 4, देखो ये तुम्हारे एग्जाम में आया है, ठीक, बाकी स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अब फ्लेमिंगो पोएट्री से क्वेश्चंस को टिक करेंगे। पहला नंबर देख लो, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये रहा आपके सामने आठवा नंबर, इसका भी फोटो क्लिक कर लो। नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से आएंगे, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द रोड साइड स्टैंड, यहां से पहले नंबर को देख लो, ये आपके परीक्षा में आएगा। आगे देखते हैं सातवां नंबर, ये आपके परीक्षा में आएगा, बाकी स्किप करिए, कोई मतलब नहीं। आगे देख लेते हैं इस चैप्टर से बाकी कुछ नहीं, हाँ यहां से एक प्रश्न बन रहा है ये वाला बस, ठीक, बाकी कुछ नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विक्टस से, ठीक, तो इससे आपको ये देखना है तीसरा नंबर, बाकी स्किप कर दो। द टाइगर किंग से देखो पहला नंबर, ये आपके पेपर में आ रहा है। आगे देखते हैं, ये रहा पांचवा नंबर, ये आपके पेपर में आ रहा है, तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्किप कीजिए। आगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यहां से देख लो, ये आ रहा है आपके सामने दूसरा नंबर, ठीक है, बाकी स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहां से देखो, इस वाले चैप्टर से ये पहला नंबर आ रहा है, आ ही रहा है, अच्छे से कर लेना, ये पता है पिछले 4-5 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है और इस बार भी आया, देख लो, बाकी कुछ नहीं आ रहा, छोड़ दो। आगे देख लेते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, यहां से ये वाला अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ चाइल्ड बामा, यहां से इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्लेमिंगो पोर्स से, यहां से दूसरा और तीसरा नंबर दोनों को अच्छे से रेडी कर लेना, बड़े बड़े प्रश्न है, ये परीक्षा में देखने को मिलेगा।
आगे देखते हैं, यहां से इस क्वेश्चन को अच्छे से टिक कर लो। ठीक, चलिए साइड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां से आपको छठवां नंबर नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं, ठीक स्किप करो। यहां से एक प्रश्न आ रहा है, ये वाला वाटर बिगन वाला, तो इसे टिक करिए, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बाकी छोड़ दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिगो नामक का जो चैप्टर है, वहां से पहले वाले प्रश्न को अच्छे से रेडी करना, इस वाले प्रश्न को अच्छे से रेडी करना। ठीक, ये आपके पेपर में आ रहा है। चलिए साइड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आपको आना है गोइंग प्लेस से, यहां पर देखो दूसरा नंबर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके पर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्लेमिंगो पोएट्री से, यहां से देखना पहला नंबर आएगा, यहां से ये वाला आ रहा है, और यहां से तीनों प्रश्न दिए भाई दीर्घ उत्तरी में। ये 15 और 16 नंबर का प्रश्न बता रहा हूं, ठीक है, तीन के तीनों दिए हैं, सच बता रहा हूं, अथवा में दिए हैं सब भर भर के। ठीक है, बाकी यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा, ये सब नहीं आ रहे हैं। ठीक, चलिए भैया ये दो नंबर के हिसाब से बना है एक प्रश्न, ठीक, ये दो नंबर के हिसाब से डाला है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्किप करो, स्किप करो, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये रहा अंतिम वाला प्रश्न 14 नंबर। बस भाई साहब इतने ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को मैं टिक करा दिया हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर किसी के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, नया प्रश्न बैंक है, तो वहां से भी टिक कर लेना। सेम टू सेम यही क्वेश्चन सब में दिया गया है, और इन क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कर लेना। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके कम नंबर आते हैं, अब तुम्हारे कम नंबर आ ही नहीं सकते, अगर आ जाए तो बात करना, नहीं आएंगे टॉप करोगे, पक्का है वादा, जिस प्रकार से तुमने पहले और दूसरे पेपर में किया था। मैं वीडियो एंड करता हूं, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।